लोग बिल्कुल पिछे नहीं हटेंगे। लोगों की लड़ाई है जी, हकों की लड़ाई है। शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं है। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं। आंदोलन जीवियों पर एक्शन की तैयारी, आंदोलन की आड़ में कितने उपद्रवी, तोड़फोड़ करने पर पासपोर्ट वीजा रद्द। आंदोलन के नाम पर दिल्ली के बॉर्डर्स को हाईजैक करने वाली ये तस्वीरें सबने देखी। बख्तरबंद गाड़ियां, टैंकर नुमा ट्रैक्टर, जैसे प्रदर्शनकारी आंदोलन के लिए नहीं किसी युद्ध के लिए जा रहे हों। टियर गैस से निपटने के लिए हजारों रुपए के स्पेशल चश्मे और मास्क। ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है, ये तस्वीरें बहुत खतरनाक है, आगे दिखाने की कोशिश कर रहे थे। पोकलैंड, जेसीबी, हाइड्रोलिक क्रेन जैसी हाईटेक मशीनें, इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये आंदोलन है या ऐलानी जंग। और इन आंदोलनकारियों ने दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो उत्पात मचाया उससे सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को हुई। किसानों के इस आंदोलन को अभी 17 दिन हुए हैं और इस आंदोलन में 3 पुलिसकर्मियों समेत कुल 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आंदोलन के दौरान दिल्ली के बॉर्डर्स पर जिस तरह का उपद्रव और अराजकता फैली, उसके बाद अब किसानों के भेष में उपद्रव मचाने वाले आंदोलन जीवियों पर हरियाणा पुलिस सख्त कार्रवाई करने जा रही है। अंबाला पुलिस का एक सख्त एक्शन देखने को मिल रहा है। किसानी आंदोलन की आड़ में हुड़दंग मचाने वालों की अब खैर नहीं। हरियाणा पुलिस ने एक लगातार सीसीटीवी की मदद से हुड़दंग मचाने वालों की पूरी पहचान की जा रही है और उनको उनकी पहचान करके, उनके पासपोर्ट, उनके पूरा आइडेंटिफाई करके, उनके एड्रेस निकाल कर जो पासपोर्ट है वो रद्द करने की बात की गई है। आपको बता दें कि किसानी आंदोलन के दौरान जितने भी जो हुड़दंग मचाने वाले हैं या जिन्होंने नुकसान किया है, जिन्होंने जिस तरह का, चाहे वो शंभू बॉर्डर की बात हो, खनौरी बॉर्डर की बात हो, जितने भी जो किसानों की आड़ में हुड़दंग मचाने वाले हैं उनको लेकर एक पूरी एक डाटा जो है वो तैयार किया जा रहा है, सीसीटीवी की मदद ली जा रही है। इससे पहले भी हरियाणा पुलिस ने कई लोगों की फोटोग्राफ जो है वो पब्लिश की थी, उनकी पहचान करने की बात की गई थी और अब उनकी पहचान करने के बाद उनके पासपोर्ट्स को रद्द करने की बात की गई है। हरियाणा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए उन लोगों की पहचान की है जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान उत्पात मचाया और बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस अब ऐसे लोगों के वीजा और पासपोर्ट रद्द कराने की कार्रवाई में भी जुट गई है। बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी फोटोग्राफ्स हम लोगों ने ली हैं जिसमें जो ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से उपद्रव मचा रहे हैं, उन लोगों के हम फोटोज और उनका पूरा एड्रेस, नाम वगैरह हम लोग पता करके पासपोर्ट ऑफिस और एम्बेसी में उनके खिलाफ उनका वीजा हो या पासपोर्ट हो उसको रद्द करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि हरियाणा पुलिस ने पहले ही आंदोलनकारियों को इस बात की चेतावनी दे दी थी कि अगर उनके आंदोलन के दौरान तोड़फोड़ की गई और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो इसकी भरपाई उनकी संपत्तियों को जब्त करके की जाएगी। इसके साथ ही पथराव और हंगामा करके कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद भी कुछ लोगों ने तोड़फोड़ और उपद्रव किया। पुलिस को खुफिया एजेंसियों की तरफ से भी जानकारी मिली थी कि उपद्रवी किसानों के आंदोलन में शामिल होकर कानून व्यवस्था बिगाड़ सकते हैं, इसलिए अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा पुलिस अब ऐसे लोगों के वीजा पासपोर्ट रद्द कराने की तैयारी में है ताकि साजिश में शामिल कोई भी व्यक्ति देश छोड़कर भाग न सके। इस तरीके दे नाल हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार अपनी क्रूरता जाहर कर रही है कि असी ये करांगे, असी वो करांगे, लेकिन अंदोलन करने वाले लोग जदों साडे हक्कां ते डाका पएगा तां की पासपोर्ट रद्द करवाउण दे डर तों असी लोग पिछे हट जांगे? कि इन्हां ने पिछे भी किया सी वी असी एनएसए लावांगे कि पिछे हट जाणगे? लोग बिल्कुल पिछे नहीं हटणगे।
लोगों की लड़ाई है जी, हकों की लड़ाई है। शर्तों पे कभी आंदोलन नहीं होते, शर्तों पे कभी इकट्ठे नहीं होते। और दूसरी चीज ये है कि वो जिस तरीक को मेरे पास आए उस तरीक से पहले वो आंदोलन की घोषणा कर चुके थे, अपने प्रोग्राम की घोषणा कर चुके थे। अगर उनकी इकट्ठे करने की नीयत थी तो फिर घोषणा करने से पहले हमारे से वो मीटिंग करते, इकट्ठी रणनीति बनाते, जिससे जैसे पिछले बार बनाई थी इकट्ठी रणनीति बना के आगे चलते, वो अच्छा लगता। किसानों और सरकार के बीच 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बनी है। 4th दौर की बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच को फिलहाल टाल दिया था, लेकिन अब भी वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और अगर उनकी मांगों पर सहमति नहीं बनी तो वो कभी भी दिल्ली कूच का ऐलान कर सकते हैं। और यही वजह है कि पुलिस किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।